नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। हम सब 21वीं शताब्दी में परमाणु बम, मिसाइलों और सैटेलाइट के युग में जी रहे हैं। यही दुनिया के हर देश को अपनी सुरक्षा के हथियारों की जरूरत पड़ती है। यूं तो भारत हमेशा से ही शांति का दूत रहा है, मगर वक्त आने पर हम दुश्मनों को यह भी बताने से नहीं चूकते कि सोते हुए शेर को कभी जगाना नहीं चाहिए। बात करें नई टेक्नोलॉजी की तो भारत अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में महाशक्ति बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। आज सुर्खियों में आगे से हम बात करेंगे भारत की इसी बड़ी कामयाबी यानी मिशन शक्ति के बारे में। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। ये लाइव सैटेलाइट पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, जिसे एंटी सैटेलाइट से मार गिराया गया। इस ऑपरेशन को मिशन शक्ति नाम दिया गया। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं मिशन शक्ति क्या था। क्या था मिशन शक्ति? बेहद कठिन ऑपरेशन था मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के लिए उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की जरूरत थी। वैज्ञानिकों ने सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त किए। एंटी सैटेलाइट के द्वारा मिशन को अंजाम दिया गया। भारत में ही विकसित की गई थी ये एंटी सैटेलाइट। सिर्फ 3 मिनट में ही मिशन को अंजाम दिया गया। स्वदेशी मिसाइल ने 3 मिनट में सैटेलाइट को मार गिराया। जी हां, जल, थल और वायु के बाद अब भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक महाशक्ति बन चुका है। बता दें कि अंतरिक्ष से उभरते हुए खतरे से निपटने के लिए अंतरिक्ष सुरक्षा समन्वय समूह यानी SSCG की स्थापना 2010 में की गई थी और लगातार प्रयासों के बाद भारत ने अब यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भी कर ली। लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था, जिसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। सर्वप्रथम मैं मिशन शक्ति से जुड़े सभी DRDO वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य संबंधित कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस असाधारण सफलता को प्राप्त करने में योगदान दिया। आखिर उन्होंने देश का मान बढ़ाया है, हमें हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है। अंतरिक्ष आज हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।
आज हमारे पास पर्याप्त संख्या में उपग्रह उपलब्ध हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। भारत ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता साल 2012 में ही हासिल कर ली थी, जब अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया था, मगर तब कुछ कारणों से इसकी अनुमति नहीं दी गई। हालांकि वर्ष 2007 में चीन के एक सैटेलाइट को मार गिराने के बाद भारत पर इस तरह के परीक्षण का दबाव बढ़ गया था कि वो इस तरह की क्षमता हासिल करे जो अब भारत ने हासिल कर ली है। पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अंतरिक्ष में भी उसकी ताकत का कोई सानी नहीं है। अंतरिक्ष में लाइव सैटेलाइट मार गिराया, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया भारत। अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार गिराने की क्षमता अब भारत के भी पास है। भारत ने स्पेस में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। भारत ने अपना नाम स्पेस पावर के रूप में दर्ज कर लिया। मिशन शक्ति भारत के लिए अभूतपूर्व सिद्धि हासिल करने जैसा है। भारत ने यह परीक्षण ऐसे समय पर किया जब चीन लगातार अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। मिशन शक्ति कोड नेम के जरिए इस मिसाइल का बालासोर में सफल परीक्षण किया गया। भारत ने यह पूरी क्षमता अपने दम पर हासिल की है। आइए आपको बताते हैं, अंतरिक्ष में इस तरह से चला था मिशन शक्ति। भारत ने एसिट का परीक्षण किया, 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट को बनाया निशाना। एसिट ने एक पुराने सैटेलाइट को बनाया निशाना जो अब सेवा में नहीं है। वर्ष 2007 में अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को मार गिराने के बाद चीन ने अब इतनी क्षमता हासिल कर ली है कि वो अंतरिक्ष में किसी भी मिसाइल को मार गिरा सकता है। यही नहीं, चीन ने अब सैटेलाइट को अंधा करने की भी क्षमता हासिल कर ली। इसमें चीन के क्षेत्रों में अब विदेशी सैटेलाइट निगरानी नहीं कर पाएंगे। युद्ध के समय चीन को इससे बहुत बढ़त मिल जाएगी। इसी खतरे को देखते हुए भारत ने इस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है। चीन को टक्कर देगा यह मिसाइल। सैटेलाइट के सफल परीक्षण से चीन में खलबली। पूरी दुनिया ने देखी भारत की ताकत। उपग्रह भेदी मिसाइल परीक्षण से दुनिया में भारत की धूम है। भारत के लिए कवच के तौर पर काम करेगा यह परीक्षण। भारत ने अंतरिक्ष में युद्धक क्षमता हासिल करते हुए किसी भी संदिग्ध सैटेलाइट को मार गिराने की शक्ति हासिल कर ली है। आइए आपको बताते हैं ये कैसे काम करता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो कैसे काम करता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल? एंटी सैटेलाइट मिसाइल के अंदर बारूद नहीं होता, इसे काइनेटिक किल वेपन भी बोलते हैं। सामान्य मिसाइल के टिप पर वॉरहेड लगाते हैं, लक्ष्य पर टकराने के बाद ब्लास्ट होता है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल काइनेटिक किल मैकेनिज्म पर काम करती है। इसके वॉरहेड पर एक मेटल स्ट्रिप होती है। सैटेलाइट के ऊपर मेटल का ये गोला गिरता है और सैटेलाइट नष्ट हो जाता है। ये मिसाइल किसी भी देश को अंतरिक्ष में सैन्य ताकत देती है। अब तक ये शक्ति अमेरिका, रूस और चीन के पास ही। अंतरिक्ष में महाशक्ति कहलाने वाले देशों में अब भारत का भी नाम है। किसी भी देश ने अब तक युद्ध में ऐसे किसी भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। तकनीक के क्षेत्र में भारत लगातार नए परीक्षण कर रहा है, उसमें सफलता की कसौटी पर खरा भी उतर रहा है। ऐसा ही एक मिशन था मिशन शक्ति, जिसे पूरा करने में भारत ने कामयाबी हासिल की। आइए बताते हैं आपको इस मिशन के क्या मायने हैं। मिशन शक्ति के क्या मायने हैं? युद्ध के समय दुश्मन देश से मुकाबला, भविष्य में युद्ध के दौरान उपग्रहों का इस्तेमाल, दुश्मन देश को जवाब देने के लिए तकनीक की जरूरत, दुश्मन अगर अंतरिक्ष में हथियार तैनात करे तो भारत मुकाबला कर सकेगा, मिसाइल दुश्मनी देश में ब्लैक आउट जैसी स्थिति ला सकती, देश के 102 उपग्रहों की सुरक्षा मजबूत होगी, अगर कोई उपग्रह खतरा बनेगा तो उसे मार गिराया जाएगा।
किसी भी देश की मजबूत सेना बाहरी खतरों से उसकी सुरक्षा की गारंटी होती है। मजबूत सेना के लिए जरूरी है अत्याधुनिक मारक हथियार, क्योंकि अत्याधुनिक युग की लड़ाई में टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा है। दुनिया में अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी भी देश की टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल प्ले करती है, और ऐसा ही भारत के साथ भी है। अब भारत ने भी स्पेस में अपना दम दिखा दिया है। कितना कठिन था मिशन शक्ति, 300 किलोमीटर दूर सैटेलाइट मार गिराया गया। इतनी ऊंचाई पर सैटेलाइट भेजना कोई आसान नहीं था। सैटेलाइट भी सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा होता है, इतने छोटे लक्ष्य को भेजना एक बड़ी चुनौती। एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत अंतरिक्ष में भी अपने दुश्मनों को सबक सिखाएगा। एंटी सैटेलाइट मिसाइल तकनीक के जरिए भारत अपने 102 उपग्रहों की सुरक्षा करेगा, ताकि कोई भी देश हमारे उपग्रहों से कोई जानकारी हासिल ना कर सके। चलिए बताते हैं आपको कि भारत के लिए क्यों जरूरी था यह मिसाइल परीक्षण। अंतरिक्ष में हमारे 102 उपग्रह सक्रिय हैं। अंतरिक्ष में स्थापित इन उपग्रहों में तमाम सेवाएं चलती हैं। ये उपग्रह प्रसारण, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम सेवाएं देते हैं। हमारे दुश्मनों के पास इन उपग्रहों को मार गिराने की क्षमता थी, अब से पहले भारत के पास ये क्षमता नहीं थी। यानी भारत को अपने उपग्रहों को बचाने के साथ साथ उसमें सेंधमारी ना हो, इसके लिए भी जरूरी कदम उठाने की जरूरत थी। इसलिए यह परीक्षण वक्त की मांग था। चलिए अब बताते हैं आपको कि परीक्षण कैसे किया गया। परीक्षण डीआरडीओ ने बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया, 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद उपग्रह को मार गिराया। मिसाइल को भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर आइलैंड से छोड़ा गया। यह इंटरसेप्टर मिसाइल 3 स्टेज की थी। इंटरसेप्टर मिसाइल को हिट टू किल मोड में भेजा गया। 2 रॉकेट बूस्टर्स मिसाइल में लगे थे, जो लक्ष्य की पहचान करते हैं। लक्ष्य की सही पहचान कर सैटेलाइट की स्थिति का पता लगाया गया। सैटेलाइट की सही स्थिति पता लगने के बाद मिसाइल लॉन्च होती है। जमीन पर स्थित रडार मिसाइल को लक्ष्य तक ले जाती है। भारत अपने सारे परीक्षणों को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखता है, इन परीक्षणों से पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे और प्रदूषण भी कम से कम मात्रा में उत्पन्न हो। इस सैटेलाइट परीक्षण के दौरान भी इस बात पर बखूबी काम किया गया। अंतरिक्ष में पर्यावरण का रखा ध्यान, भारत ने इस परीक्षण के दौरान अंतरिक्ष के पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा। इस परीक्षण से पैदा हुआ मलबा आने वाले कुछ सप्ताह में धरती पर गिरेगा। सैटेलाइट का मलबा आसमान में नहीं फैलेगा, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होगा। 2012 में भारत ने एंटी सैटेलाइट तकनीक की तैयारियों के संकेत दिए थे। ये दुनिया ने मजाक बनाया था उस वक्त। विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत अगर दुनिया को टेस्ट करके अपनी ताकत नहीं दिखाता है तो महज कागजी शेर ही कहलाता रहेगा। हालांकि इस पूरे मिशन में LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट का नाम बहुत बार आया, तो चलिए जान लेते हैं लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा होती क्या है। मिशन शक्ति के महत्वपूर्ण शब्द, पृथ्वी की निचली कक्षा में सजीव उपग्रह को मार गिराया गया। यह हमला लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में किया गया। पृथ्वी की सतह से 160 से 2000 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई को LEO कहा जाता है, जो अर्थ ऑर्बिट के बाद मीडियन अर्थ ऑर्बिट होता है। सतह से 35,786 किलोमीटर पर हाई अर्थ ऑर्बिट होता है। पृथ्वी की सतह से ये लो अर्थ ऑर्बिट सबसे नजदीक होता है। नजदीक होने के कारण उपग्रह स्थापित करने में कम ऊर्जा लगती है। मौसम निगरानी और जासूसी उपग्रहों को इसी ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। लो ऑर्बिट कक्षा कई मायनों में खास होती है, इसमें ज्यादा शक्ति वाली संचार प्रणाली को स्थापित किया जाता है। सैटेलाइट परीक्षण करने वाला भारत कोई पहला देश नहीं है। दुनिया की बड़े बड़े शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका, रूस और चाइना काफी पहले ऐसे सफल परीक्षण कर चुके हैं। आइए बताते हैं आपको इन देशों ने कब कब अपने परीक्षण किए। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की।
अमेरिका का एंटी सैटेलाइट परीक्षण। अमेरिका ने 1959 में पहली बार एंटी सैटेलाइट हथियार का परीक्षण किया। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उस वक्त में सैटेलाइट युद्ध दुर्लभ और नए थे। अमेरिकी वायुसेना ने B-47 बमवर्षक विमान का इस्तेमाल किया। इस विमान से एक्सप्लोरर सैटेलाइट को लॉन्च के काबिल बनाया गया। तो अमेरिका के बाद बढ़ते हैं रूस की ओर, जो दुनिया की महाशक्तियों में से एक है। एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को काफी पहले ही हासिल कर चुका है। रूस भी कर चुका है एंटी सैटेलाइट परीक्षण। रूस ने 1960 और 1970 की शुरुआत में किया परीक्षण, दुश्मन का सैटेलाइट नष्ट करने का किया परीक्षण। ऐसे हथियार को परखा जाए जो कक्षा में जाकर सैटेलाइट को नष्ट करता है। 2015 में भी रूस ने मिसाइल दागकर एक परीक्षण किया था। अमेरिका और रूस के बाद चीन दुनिया का तीसरा देश है जिसके पास एंटी सैटेलाइट वेपन की ताकत है, और वो इस ताकत का सफल परीक्षण भी कर चुका है। 12 साल पहले चीन को मिली ताकत। चीन ने 2007 में एंटी सैटेलाइट हथियार का परीक्षण किया था। परीक्षण में चीन ने उच्च ध्रुवीय कक्षा में सैटेलाइट को मार गिराया। चीन ने अपने पुराने मौसम सैटेलाइट को नष्ट किया था। तो अंतरिक्ष में अभेद सुरक्षा के मामले में भारत दुनिया की चौथी बड़ी ताकत बन गया। यहां तक कि सफर चुनौतियों भरा रहा। 9 साल पहले तिरुवनंतपुरम में हुए 97वें इंडियन साइंस कांग्रेस के डीआरडीओ के जनरल में इस बात की घोषणा की थी कि भारत दुश्मन के उपग्रहों को उनकी कक्षा में ही गिराने की जरूरी तकनीक विकसित कर रहा है। डीआरडीओ ने हासिल की सफलता। 2010 में ही डीआरडीओ ने किया था दावा, भारत के पास लो अर्थ ऑर्बिट में दुश्मन को गिराने की क्षमता। 7 साल पहले ही भारत हासिल कर चुका था यह तकनीक। साल 2012 में ही भारत के पास एंटी सैटेलाइट सिस्टम की क्षमता थी। 2012 में भारत ने अग्नि-5 मिसाइल का परीक्षण किया था। अग्नि-5 के परीक्षण में ही भारत के पास सैटेलाइट नष्ट करने की क्षमता थी। तो आज सुर्खियों से आगे में हमने बात की भारत के मिशन शक्ति की, जिसके जरिए भारत अंतरिक्ष में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप भारत के वैज्ञानिकों ने विश्व को यह संदेश दिया कि हम किसी से कम नहीं। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का अनुसरण करता है, जिसके अनुसार पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि शांति और सद्भाव के लिए काम करने वाली शक्तियों को शांति की प्राप्ति के लिए हमेशा शक्ति संपन्न बने रहना पड़ता है। तो आज की सुर्खियों से आगे के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ अनुमति। नमस्कार।